सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरे के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हरेक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। भजन संगीता अध्याय एक वचन एक से, भजन संगीता अध्याय एक वचन एक, आइए देखते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों के मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे पर लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें बाइबल वचन हमें बता रहा है, कहता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। कहता है वह व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में धन्य और महान होता है कि जो दुष्ट लोगों के बनाई गई युक्तियों को नहीं अपनाता है, जो बुरे लोगों की युक्ति पर नहीं चलता परंतु उनकी नियम उनकी विधि को नहीं अपनाता। कहता है जो व्यक्ति बुरे लोगों की युक्तियां नहीं अपनाता है वह परमेश्वर की दृष्टि में धन्य है। कहता है ना ही पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ही जिस मार्ग पे पापी यानी अपराध करने वाले लोग अपराध करने के लिए जिस मार्ग पे चलते हैं, वचन कहती है कि वह रास्ता जो व्यक्ति नहीं अपनाता वह परमेश्वर की दृष्टि में धन्य है। क्योंकि जितने अपराध करने वाले लोग हैं वह अपराध के मार्ग पे चलते हैं, तो वचन कहती है कि वह धन्य व्यक्ति है जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता यानी उनके मार्ग में चलता नहीं, और कहता है ना ही ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, ना ही बुरी बुरी बातें कह के ठट्ठा मारने वालों के बीच में जाकर बैठता है। जो व्यक्ति ऐसे लोगों की संगति में नहीं रहता, उनके बीच में नहीं रहता, वह परमेश्वर की दृष्टि में धन्य और महान। परंतु कहता है कि वह ऐसे लोगों के संगति में न रहकर, परंतु वह क्या करता है कि यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। जो व्यक्ति ऐसे बुरे लोगों की संगति में उनके बीच में उनके कामों में उनके मार्ग पे नहीं चलता, बल्कि वह क्या करता है कि परमेश्वर के व्यवस्था से प्रसन्न होता है, यानी परमेश्वर के विधि परमेश्वर के नियम परमेश्वर के नाम से वह खुश होता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के नियम और परमेश्वर से खुश रहता उसके उसके विधि के और उसके नियम को रात दिन ध्यान में रखता है, जो व्यक्ति रात दिन ध्यान में रखता है, वचन कहती है कि परमेश्वर उसे प्रसन्न होता है, उसे धन्य कहता है और कहता है कि वह व्यक्ति तो उस वृक्ष के समान है। कौन? कि जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न होता और रात दिन उसकी विधि उसकी व्यवस्था उसके नियम उसकी आज्ञा पे ध्यान देता है। वचन कहता है कि वह व्यक्ति तो उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे पर लगा है, जिस नाली में पानी बहती है और पानी बहने वाले नाली के किनारे पे लगाए गए वृक्ष के समान वह व्यक्ति होता है। जैसे कि जो नाली के किनारे पे लगाया गया पेड़ होता है, वचन कहता है कि वह अपना ऋतु जब उसके फलने की ऋतु आती है तो अपने ऋतु के अनुसार अपने नियमानुसार वह फल देता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। क्यों? क्योंकि जो उसकी जड़ है उस पानी से जुड़ी रहती है, इसलिए उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों,
वचन कहती है कि जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के व्यवस्था उसके नियम पे हमेशा ध्यान देता है और उसके नियम से प्रसन्न होता है और रात दिन प्रभु के मार्गों पे चलता है, रात दिन प्रभु की आज्ञा याद करके रखता है, तो वचन कहती है कि वह उस पेड़ के समान होता है जो जिसका जड़ पानी से जुड़ी होती है और वह कभी मुरझाता नहीं, वह अपने ऋतु के अनुसार फल देता है। इसलिए जो व्यक्ति ऐसा होता है, वचन कहती है कि वह व्यक्ति वह पुरुष जो काम करता है वह हर काम में सफलता पाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो जीवन है परमेश्वर से जुड़ा होता है, इसलिए वह जो काम करना चाहता है वह हर काम में सफल हो जाता है। इसलिए क्योंकि वह जो भी काम करता है अपना सारा काम किसके अधीन में होकर करता है, परमेश्वर के अधीन में, और अपने सारे कामों को उसकी आज्ञाओं में, उसके बातों में और उसके हाथ में सौंप देता है। इसलिए जो कोई व्यक्ति अपने कामों को परमेश्वर के हाथ में सौंप कर परमेश्वर के संगति में होकर अपना कदम आगे बढ़ाता है, परमेश्वर उसके साथ रहकर उसके कामों में उसकी मदद करता और मदद करने के बाद उसे अपने आशीष से भर देता है। इसलिए आप भी उस परमेश्वर को पहले याद करिए, हर कामों में उसे याद करिए। जरूर है कि आप भी जिस काम में हाथ लगाओगे अवश्य कि हर काम में आपको सफलता मिलेगी। आमीन, हालेलुया। आइए आंखों को बंद करिए। ओ धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद महिमा करता है यीशु राजा। तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर सबके शरीर को आसपास कर, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हर एक के जीवन में अलौकिक चमत्कार होने पाए। हे परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, प्रार्थना सुनने वाले हर एक व्यक्ति को अच्छी ज्ञान अच्छी बुद्धि से भर दे कि बुराई को त्यागे भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। हे परमेश्वर इनके शरीर पे तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारगिरी के बंधन और सारे बंधन टूटने पाए, दुष्ट आत्मा शैतानी आत्मा मरी हुई आत्मा पूज्यमान शक्तियों का प्रकोप हो तो नष्ट होने पाए। हे मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, जितने भी प्रार्थना सुनने वाले लोग हैं इनमें जो बीमार है प्रभु यीशु के नाम से आज चंगाई पाए, प्रभु यीशु के नाम में वो चंगा हो जाए, जिसके शरीर के अंदर किसी भी हिस्से में दर्द हो तो सारा दर्द अभी गायब हो जाए, जिसके आंखों में तकलीफ हो आंख की तकलीफें निकल जाए, कान में तकलीफ हो कान की तकलीफें निकल जाए, नाक में तकलीफ हो नाक की तकलीफें निकल जाए, मुंह में तकलीफ हो मुंह की तकलीफें निकल जाए, गले में तो गले की तकलीफें निकल जाए, यीशु के नाम से सीने की बीमारियां निकल जाए, पेट की बीमारियां यीशु के नाम से निकल जाए, कमर की बीमारियां यीशु के नाम से निकल जाए, घुटने की बीमारियां यीशु के नाम में निकल जाए। हे मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते इनके शरीर के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारगिरी के बंधन है वो सारे बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए, दुष्ट आत्मा शैतानी आत्मा मरी हुई आत्मा बिल्कुल नष्ट होने पाए। लिवा रंद शिख रिंदु सुबर अब सिंधी कलाबा सिंध गरिंदली हो री लिवा संद गरबा हो सबर अब सिंध गिरिंदी। महान परमेश्वर अपनी आत्मा की अभिषेक से हरि को भर दे ताकि हर कोई आत्मा में परिपूर्ण होने पाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते जितने प्रार्थना सुनने वाले लोग हैं इनके रोजी रोजगार के ऊपर आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो, जिसके पास कोई रोजगार नहीं प्रभु रोजगार दे, नौकरी नहीं नौकरी दे, गरीबी के श्राप से छुटकारा दे, कर्ज से निमुक्त कर। हे परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, जो जमीनी विवाद में पड़ा है उसके जमीनी विवाद बिल्कुल समाप्त होने पाए, पारिवारिक विवाद समाप्त हो जाए, पति पत्नी के बीच का विवाद समाप्त हो जाए, उन दोनों के बीच में प्रभु तेरा प्रेम उत्पन्न हो जाए ताकि आपस में मेल मिलाप के साथ प्रेम का जीवन जीने पाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, जितने तेरे सेवा करने वाले लोग हैं प्रभु उनके सेवकाई पे आशीष दे ताकि उनकी सेवकाई दिन प्रतिदिन बढ़े, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं प्रभु तू उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करे। हाँ मेरे प्रभु ये हे परमेश्वर ये सदैव तेरे मार्ग पे चले ताकि तेरे नाम से जो कुछ मांगे इन्हें मिल जाए यीशु के नाम में। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर अपने स्वर्ग का द्वार खोल, स्वर्गीय आत्मा का अभिषेक इनके ऊपर होने दे ताकि पवित्र आत्मा इन्हें छोले अपनी सामर्थ्य लेकर महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते इनके जीवन में बहुतायत की आशीष दे। अभी अभी प्रभु की ओर से संदेश है, हिंदी का जो र अक्षर है र अक्षर और हिंदी का जो स अक्षर है और हिंदी का व अक्षर है
र, स और व अक्षर से जितने लोगों का नाम है, आज प्रभु उन सबके जीवन में बहुतायत की आशीष दे रहा है। लिवारंद सबरत हिंदिलिरी, अभी अभी परमेश्वर का आत्मा आपकी आपको स्पर्श कर रहा है, इसलिए रिसीव करो, प्रभु की आत्मा को रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। देखो सूरा को लिव वरंदे से लिबा सकर, वो महान परमेश्वर तेरा साथ हरि के साथ हो, तेरा हाथ हरि के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे, गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।